गांधी जयंती पर राजीव पार्टी की झारखंड नव निर्माण यात्रा की शुरुआत बोकारो के गोमिया से की गई। ये यात्रा गोमिया हाई स्कूल चौक से शुरू होकर स्वांग वन बी बाजार तक पहुंची, जहां विशाल जनसभा में परिवर्तित हो गई। इस दौरान आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने गोमिया विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो सहित हजारों महिला पुरुषों के साथ पदयात्रा की। डुमरी विधानसभा के इसरी बाजार और गोमिया विधानसभा अंतर्गत पेटर वार में अपना आजसू 24/7 सेवा केंद्र की शुरुआत भी की गई। सुदेश महतो ने कहा कि केंद्र के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके साथ ही भौतिक रूप से केंद्र में पहुंचकर भी लोग अपनी समस्याओं को यहां रजिस्टर करवा सकते हैं। जनता को संबोधित करते हुए आशीष सुप्रीमो ने कहा कि जेएमएम और कांग्रेस के झूठ वादा खिलाफी और चरित्र का वास्तविक चेहरा बेनकाब हो चुका है। जनता अब इनके झूठे वादों के भ्रमजाल में फंसने वाली नहीं है। सुदेश महतो ने कहा कि वर्तमान सरकार भ्रमित करने का कीर्तिमान स्थापित कर रही है। सरकार का उद्देश्य जनता की आवश्यकताओं को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में काम करना होता है, लेकिन ये सरकार अपने ही लोगों को ठगने में लगी है। झूठ की बुनियाद पर खड़ी सरकार से जनता परेशान है और बदलाव चाहती है। जनता ने अपना मत जिस उम्मीद के साथ इस सरकार को दिया था, इन्होंने सभी उम्मीदों को तोड़ दिया है। 24/7 हमने राजनीति को सेवा का आधार बनाया, उसी चिंतन को बड़ा करने के लिए विधानसभा बार अपना आजसू का एक कॉल सेंटर हम सभी लोग अभी तैयार कर रहे हैं, और पहला इस प्रदेश का आज के दिन महात्मा गांधी जी के जन्म के दिन आज हम लोग इसको स्थापित कर रहे हैं डुमरी से। ये 2400 घंटा लोगों के लिए खुला रहेगा, जब पूरी रात में भी कभी भी आवश्यकता के अनुसार लोग इस टोल फ्री नंबर है, टोल फ्री नंबर में फोन कर सकते हैं, अपनी आवश्यकता का उल्लेख कर सकते हैं, सहयोग का उल्लेख कर सकते हैं। संगठन की संरचना के आधार पर वॉलेंटियर तैयार किए गए हैं, वॉलेंटियर आपको आपके नजदीक क्षेत्र में आपको मदद देने की तैयारी करेंगे। इसमें हम लोग ने हेल्थ को बड़ा विषय रखा है, हेल्थ के साथ साथ भारत सरकार राज्य सरकार की चलने वाली सभी योजनाएं जिसके ऊपर लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं, पहुंच नहीं होने के कारण उनका काम अधूरा रह जाता है, उनके सहयोग के लिए ये सेंटर हमेशा उपलब्ध रहेगा। ये तैयारी हमारी है और इसी तैयारी को हम लोगों ने मूर्त रूप देने के लिए 24 घंटा खुला रहने वाला कॉल सेंटर तैयार किया। विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के साथ लगातार आपकी बैठक हो रही है, कितने सीट पर जो है वो बात बनी है? अभी सीट और एजेंडा दोनों साथ में चल रहे हैं। इस राज्य के लिए प्रमुख एजेंडा कि हम किन एजेंडों के साथ किन मुद्दों के साथ जाना चाहिए, इसको लेकर लगातार बातें चल रही है और एजेंडा अभी आएगा। भारतीय जनता पार्टी के साथ कई ज्वाइंट एजेंडा भी हो सकते हैं और आजसू अपना एजेंडा भी खुद लेके आएगा। रीजनल दल होने के नाते कई एजेंडा प्रॉपर हमारे ओर से ही आना सुनिश्चित होगा और जिसका सहमति के साथ हम एजेंडे को लेके आएंगे। मेरी तैयारी वो चल रही, सीट पर भी बातचीत चल रही, बहुत जल्द प्रत्यक्ष रूप से हम दोनों दल सामने आएंगे और आपको बताएंगे। डुमरी क्या लगता है, डुमरी किनके खाते में जाएगा? भाई डुमरी एनडीए के खाते में जाएगा। The followup.in like share and subscribe www.thefollowup.in